मेरा ना ये बच्चा पूरे बचपन से गूंगा था और कितनों दवाई कराती थी, कोई आराम नहीं आती थी। और एक ना विश्वास में ना डॉक्टर के पास गई थी तो वो बोला था जीभ को ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ये सुन के मेरा हदक आ गई थी, मैंने सोचा मेरा नहीं पैसा है इतना, जी ऑपरेशन कराओ और बच्चा वो जिएगा कि नहीं जिएगा, मैं रो रही थी। तो एक ना विश्वासी दीदी चर्च में के मेरा बताई थी कि दीदी क्यों रोती है, जी आज तो मन उदास है। तो मैं कुछ नहीं बोला था, फिर बोला बोलो क्या बात है। तो फिर मैं बोल दिया उनके जो दीदी मैं ना बच्चा से बहुत परेशान हूँ, से बच्चा को ना बहुत मुँह से लेर गिरती है और गूंगा भी है और सारे मेरा पड़ोसी सब ऐसे ताना मारती है जे ये गूंगे रहेगा कभी भी नहीं सही रहेगा। तो फिर वो दीदी मेरे को बताई प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि दीदी तू मन उदास मत करो, जे आपको बच्चा ना प्रभु यीशु मसीह के चर्च में चलो, चमत्कार चर्च लगती है, वो में ना बच्चा अच्छा हो जाएगा। कोई दवाई बिरू नहीं है, कोई रुपया पैसा खर्चा नहीं होती है, सिर्फ विश्वास करना होती है। तो मैं दीदी के बात को ग्रहण किया और चमत्कार चर्च में आई। तो ऋषभ जी से प्रार्थना करवाई थी और बच्चा को लेकर चमत्कार चर्च में आई, बस प्रार्थना करा के घर गई। और उस दिन से मेरा बच्चा को बिल्कुल बोलने भी आ गई, मम्मी पापा दादा और दादी सारे चीज बोलने आ गई। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ। आपका ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बचपन से नहीं बोलता था और इसके मुंह से लार गिरती थी। हाँ जी। और अब ये बोलता है? हाँ अभी बोलती है, बहुत अच्छी से बोलती है। मम्मी दोबारा बुलाओ। पापा, पापा, पापा। तारीफ करें जोर से, जोर से, सब दल खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, सब दल तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे बीच में आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया, सब दल तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दल जवाब दे सकते लेकिन हमारा परमेश्वर जवाब इनका बच्चा बचपन से नहीं बोलता था, बचपन से, और मुंह से लार गिलती थी। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को जीभ का ऑपरेशन करना पड़ेगा तब भी बच्चा बोलेगा। लेकिन इस बहन को किसी ने बताया कि आप चमत्कार चर्च में जाओ, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इन्होंने उन पर विश्वास किया और ये परमेश्वर की हजूरी में लेके आए और परमेश्वर के अभिषेक की दास ने इनके लिए प्रार्थना की और ये बच्चा आपके सामने खड़ा है, आपके सामने ये गवाही है और ये बच्चा बोल भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो इसके मुंह से लार गिरती थी वो भी बंद हो गई है, माइक करो, वो भी बंद हो गई है, लेर भी बंद हो गई। हालेलुया, तारीफ करते महान परमेश्वर की, महान परमेश्वर की। हालेलुया,